करते रहो। चलो चलो आगे। तुम सब जल मरने वाले हो। बस करें, रुक जाए, रास्ता दीजिए, रुक जाइए, मुझे गुजरने दीजिए, गुजरने दीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, जो कुछ तुमने किया है। इधर देखो जरा, इधर तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ चलकर नहीं जाने दूंगा। हट जाइए, रास्ता छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? इंसान जो बोता है वही काटता है। चलो चलो चलो, अंजाम की तरफ चलो, मौत की तरफ चलो। चलो चलो, लोगो ये सभी जुल्म और इंतजार फैलाने के पीछे था। नायमान गीदड़ तुम सबके सामने है। अब हैसरीगुल खातून का कहना है इसका सर उतारने का हक गजन खान का है, मगर मेरा मानना है कि
बेहतरीन दुश्मन मुर्दा ही होता है। इसने मेरे लोगों पर जुल्म ढाया, इसने मेरे लोगों का खून बहाया, इसलिए इसका सर उतारने का पहला मेरा हक है। आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम बुरा होगा उस्मान साहब। नाइमान तबरेज जाएगा और इसका हिसाब गजन खान करेंगे। ओ, नहीं, अब मैं इसको अपनी आंखों के सामने से हरगिज दूर नहीं करूंगा। गजन खान को अगर ये चाहिए तो इसका सर भिजवा देंगे। मेरी मौत इंतकाम की आग भड़काएगी उस्मान। जंग इंतकाम से भी बड़ी होती है। जो कोई हमारी सरजमीन हासिल करने की हिम्मत भी करेगा उसका अंजाम यही होगा। इसका गलीज सर उनके लिए इबरत होगा। उस्मान साहब, अजीम टैंगरी, मैं आपके लिए लड़ा हूं और मैं आपके लिए मर जाऊंगा। हाँ, मगर हर चीज वसूलन ठीक हो जाएगी। लो, तुम्हारा वक्त भी आ गया। ने ये क्या किया उस्मान साहब? जो जरूरी था वो किया मैंने, बगैर किसी हिचकिचाहट के। गजन खान के शिकार पर हाथ मारा है, इसका हिसाब आप कैसे देंगे? उसके चाहने से शिकार उसका नहीं होगा, बल्कि शिकार उसका होता है जो सर उतारता है। और ये जरूर गजन खान से जाकर कहना। आ जाए, आ जाए, आप भी ऊपर आ जाए। आज यहां फिर एक सालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी बहुत से बाकी हैं। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें, हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है। सिपाहियों, तमाम सरजमीन और तमाम कबाइल और तमाम कलों को खबर भिजवा दी जाए। हर बहादुर जो तलवार उठा सकता है हमारे शाना बशाना खड़ा होगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। तमाम के तमाम तुर्क कबाइल आज से सिर्फ एक झंडे के नीचे जमा होंगे। सालिमों के अंजाम का वक्त आ गया है। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत सलामत रहे आप लोगों की। फातिमा चलो आ जाओ, आ जाओ बेटी आ जाओ, चलो चलो आगे बैठ जाओ यहाँ जाओ, तशरीफ रखिए। अल्लाह एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया हमने। ऐसा ही है, हाँ अपने एक दुश्मन का सर तो उतार दिया हमने बिल्कुल, मगर हजारों कतार में और भी खड़े हैं। फातिमा सुल्तान, ये वक्त जंगों के बारे में बातें करने का हरगिज नहीं है। अभी सरदार उस्मान नहीं, बाबा उस्मान है ना बाबा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हलीमा आ जाओ मेरे पास। ये ले अपने पापा के पास, आराम से इधर होके बैठो मेरी बेटी। ओ तो तुम भी बड़ी होकर जंगों में जाओगी? हाँ अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, लेकिन उससे पहले इधर आओ जरा। चलो चलो अपना चम्मच तलवार की तरह पकड़ो, चलो जंग के मैदान में कैसे जाएगी बताओ। ऐसे देखो ये अभी से जंग पर जाने के लिए कैसे तैयार है, लेकिन जंग पर जाने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। हलीमा आ जाओ। जंग में जाने की गलती की, लेकिन तुम ऐसा मत करना, जंगों के लिए अभी बहुत वक्त है। खुशी है आपने हलीमा को रोक लिया था। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुम्हें भी रोक लेती फातिमा। अब मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाना, समझी? मैं दोबारा नहीं कहूँगी, ठीक है? मैंने तौबा कर ली, क्योंकि लड़ाइयाँ तरबियत के बगैर नहीं होती। बिल्कुल नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम जंगों में दुश्मन के खिलाफ हो, लेकिन तरबियत भाइयों के साथ लोगी। जी वालिदा मैं समझ गई हूँ, लेकिन भाई मुझे सांस भी नहीं लेने देंगे जंग में। बिल्कुल भी नहीं फातिमा, इसके लिए तुम्हारी अच्छी तरह तरबियत करनी पड़ेगी। मेरी खूबसूरत बेटी हलीमा, आ जाओ आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा के पास। चलें शुरू करें, अल्लाह बरकत दे। वाला दे जनाब, आ जाओ यहाँ बैठो मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सुंगूर ने अभी तक कुछ बताया क्या? मेरे सरदार मालूमात आई हैं, वो लेने के हैं। ठीक है ठीक है। हाँ तो कारब है, आप बताइए किसी की शादी है क्या आपके जहन में? अगर है तो बताइए मुझे। बिल्कुल है जनाब, बिल्कुल है, मेरे जहन में है वो। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है। आराम से खाओ मेरे भाई, आराम से। मैं तो कह रहा हूं अभी से सोना जमा करना शुरू कर दो तुम, वरना बाद में बहुत मसला होगा। तुम नहायत खूबसूरत इंसान हो। इजाजत है जनाब? हाँ आ जाओ भाई संगूर।
जनाब मार्तलोज से खबर आई है। उस्मान सरदार तकफूर वालेंस कुस्तुंतुनी आया हुआ है और मैं उसके हर कदम पर नजर रखे हुए हूं। फातिमा अब मेरा सरदार बनने का वक्त है। सिपाहियों सरदारान को खबर दीजिए दीवान मुनक्कद किया जाएगा। जो हुक्म जनाब। जनाब अगर उसे लश्कर मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे हम? जो चाहे वो बेशक करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा लेफ्के कैस्टल और गमलिक उन्हें अभी इंतजार करना होगा। हां मगर कोई उन हिसार को नहीं। क्या हमने बिला वजह खबर भिजवाई? तो क्या बिला वजह कबाइल को खबरदार किया? अब उन सब जगहों की मुश्तरका कोशिशों से एक लश्कर के तौर पर हम इकट्ठे होंगे और कोई उन हिसार का रुख करेंगे। जनाब कुस्तुंतुनिया से आने वाले लश्कर के बारे में हमारे पास क्या कोई इत्तला आएगी? हम ना उनकी तादाद जानते हैं ना ही असले की। हमें पहले लश्कर को जानना होगा क्योंकि हम हमलावर होंगे। हम भागेंगे या जंग में लड़ेंगे उनसे? जनाब क्या ये मुहासिरे का दुरुस्त वक्त है? क्या हुआ? रुकिए जरा, अभी रुको। कुस्तुंतुनिया से सारी की सारी मालूमात मौसूल हो रही है हमें। तकफूर वालेंस वहां गया और हमें इस बात का इल्म है। उन सब की नियत और ये कि वो क्या करेंगे जल्द मालूम हो जाएगा और आप लोग उस वक्त तक अपनी तैयारियां मुकम्मल कीजिए। जनाब अगर हम मुहासरे के दौरान पकड़े गए तो वो हमें खत्म कर देंगे। वे उन हिसार लेंगे, मैंने ये कहा है, मुहासरा करने को नहीं कहा। अगर हम जंग के मैदान में उतरेंगे तो जंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी घात लगाने की तो उस सूरत वो भी लगाएंगे और अगर हटना जरूरी हुआ तो यकीनन हट जाएंगे। मगर मैं फतह की हिकमत अमली कुफार के मुताबिक तय नहीं करूंगा। जो हुक्म जनाब। दीवान खत्म हुआ। मेरे सरदारान अच्छी तरह जान लीजिए जिस लश्कर का सामना करेंगे हम लोग हमारे लिए वो यकीनन सबसे बड़ा इंतहाई कठिन इम्तिहान होगा। इन सरहदों के मालिकान होते हुए हम बाज़ंतीनी लश्कर के खिलाफ अपने बलबूते पर जिद्दोजहद करेंगे। अगर आप शहंशाह की सल्तनत को पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं तो रियासत बन सकते हैं। आप लोग ये चीज हमेशा याद रखें।
اے عظیم مالا، اے منتخیم، اے فتح میرے رب، ہمیں ان مہمات کی، اس سفر کی اور جہاد کی ذمہ داری سونپنے والا تو ہی ہے۔ ہم یقیناً تیرے رستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا رب۔ یہ فتح، یہ فتوحات تیری ہی طرف سے ہے یا رب۔ اے رحم کرنے والے یا رحمان یا رحیم، اے میرے رب، کل ہم ایک مشکل سفر شروع کریں گے، تو ہی ہمارا راستہ روشن کر سکتا ہے یا رب۔ اے میرے رب، جس سے ظالم کو خوشی ہو، ایسے امتحانات سے ہم لوگوں کو مت گزارنا یا رب۔ اے میرے اللہ، مظلوموں کو خوشیاں نصیب کر، جو مومنوں کے لیے خوشی کا باعث ہو، ہمیں ایسی فتح نصیب فرما یا رب۔ رسول اللہ کے اصحاب کی اور اپنے دوستوں کی خاطر ہمیں کفار سے اور ان کی چالوں سے اسلام کی روشنی میں ہماری حفاظت فرما یا میرے اللہ۔ یا اللہ، میرے پیچھے چلنے والے بہادر اسلام کا لشکر ہے، بدر کی طرح، خیبر کی طرح تو ہماری بھی مدد فرما اور ہمیں فتح سے ہمکنار کر یا رب۔ ہم تاکہ اسلام کا جھنڈا اس پوری دنیا میں لہرانے والی ریاست کی بنیاد رکھ سکیں میرے اللہ۔ یا رب، وہ جو امن لے کر آئے، ہمیں ایسی فتح نصیب فرما۔ آمین، آمین یا رب۔ عثمان سردار، ایک فور والنس اور شہنشاہ اندرونیکوس نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے وحشیوں سے بھرا ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک وہ آپ کو اور مسلمانوں کو سرزمین سے نکال نہیں دیتے۔ جو کرنا چاہتے ہو تم کر لو، چاہے جتنے بڑے لشکر لانے ہیں لے آؤ۔ ذرا جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے لیے
मुझे भेष बदल कर जाना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाना चाहते हो? हाँ, यानी शहर जा रहे हैं। क्यों जाना चाहते हैं यानी शहर? एक बहुत ही जरूरी काम से। दरअसल उस्मान साहब ने सरदारान को बुलाया है। मगर आप सब तो काफी थके हुए लग रहे हैं। इस हालत में भी क्यों चले आए यहां? थके हुए जरूर हैं, लेकिन बुजदिल नहीं है। सही कहा, सही कहा। क्योंकि उस्मान सरदार ने बुलाया है, इसलिए आप यानी शहर जाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल यह है, क्या आप आए कहां से हैं? हम कपचक सरजमीन से आ रहे हैं। हमने रास्ते में कुछ घोड़े खोए, अब बस यही है। कपचक से? हाँ, कपचक की सरजमीन तो बहुत दूर है। कितने दिन हो गए निकले हुए? 15 दिन पहले। हाँ, उस्मान सरदार ने जंग के लिए इतना पहले से नहीं कहा। हमने रास्ते में सुना, इसलिए उनके बुलाने से पहले आ गए। गजवा हमेशा होता है। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं? या फिर आप जंग से डरते हैं? ओ, कैसे जानते हो ये? ये भी हो सकता है कि मैं खुद उनसे लड़ूं जाके, और इसीलिए यहाँ मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। हाँ, खैर, ज्यादा देर आपको नहीं रोकूंगा। यानी शहर आप लोग पहुंचे, फिर मिलेंगे जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहिए। चलो जल्दी चलो। सर जमीन, हाँ, ओए माशाल्लाह। जब तक लड़ने के लिए ये बहादुर लोग मौजूद हैं, हम हरगिज नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन दुश्मन तबाह जरूर होगा। रुके हैं ना रुकेंगे, बदहवाद का सिलसिला जारी रहेगा और कोई उन हिसार हासिल करेंगे। जनाब, हमें पहले उनकी ताकत का इल्म नहीं था। अब क्या हम ये जानते हुए भी खला फतह करेंगे? हम नहीं,
और आज साहब आप फतह करेंगे। दिमीर खान और ओस्मान साहब के हमरा हमने मंजनी के क्यों तैयार करवाई, इतने कबाइल में खबर क्यों भिजवाई? अब कबाइल से आने वाले सिपाहियों के साथ मिलकर उयुन हिसार हासिल करेंगे। जो हुकुम जनाब। क्या होगा उस दौरान अगर इन पर हमला हो गया? हम मगरिब से आने वाले लश्कर पर हमला करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दो लश्करों को एक साथ मुत्तहिद ना होने दें। चलिए सरदाराम, इसके मुंतजर हो। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, कुस्तुंतुनिया और मगरिब से लश्कर आ रहे हैं। अगर हम मगरिब से आने वाले लश्कर को नहीं रोक सके तो वालंस के लश्कर को शिकस्त नहीं दे सकते। हम पहले उन्हें तकसीम करेंगे, उसके बाद उन्हें तबाह कर देंगे। जनाब, क्या हमारे पास मगरिब के लश्कर के बारे में कोई मालूमात है? जैर कुताए, क्या मालूमात है हमारे पास? हम उनकी सांसों के बारे में भी जानते हैं जनाब। अच्छा है, उस्मान साहब, ये पागल इंसान आपसे कुछ कहना चाहता है। हम सब तुर्कों को मार देंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अभी तुम्हें किसी एक चीज को मुंतखिब करना है, या तो उस लश्कर के बारे में हर चीज आकर मुझे बताओगे, या फिर ये के तुम्हें फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। नहीं, उठो 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 उठो, चलो खड़े हो, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, खड़े हो जाओ। यहाँ कुछ कहोगे? उठो 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 उठो, चलो शाबाश, खड़े हो जाओ। या तुम्हें मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाए। रुक जाए, मैं बताता हूं। पहलवान, तुम चलो यानी शहर जाओ और वहां जाकर ये देखो कि कबाइल से कितने सिपाही आए हैं, और फिर उन्हें लेकर आओ यहां, क्योंकि अब ये जंग का वक्त है, पर किसी को आना चाहिए। जो हुक्म आपका जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। सिपाहियों, सरदारान, गुरु बे आफ्ताब से पहले हम उस लश्कर को तबाह करके रख देंगे। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। भेड़िया अपने शिकार को सूंघ सकता है, लेकिन हमले के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। हम अगर हमला करने के लिए वो एक चाल चलता है, हम भी वैसा ही करेंगे। जिस लश्कर को हम तबाह करने जा रहे हैं करायोर्त से गुजरकर हमारी सरजमीनों में आना चाहता है, अब उन्हें गुजरने नहीं देंगे। वो लश्कर कैरगार के इलाके के करीब आराम कर रहा होगा और हमारा काम वहां से शुरू होगा। पहले हम उनकी ताकत छीन लेंगे, उसके बाद उनकी जानें लेंगे। तुम लश्कर के घोड़े खोल दोगे और उन सबको पैदल चलना पड़ेगा।
ताकत और रफ्तार कम ना हो, इसलिए वो तलवारें और ढालें साथ लेकर जाएंगे। भाई सुंगुर, शामिल, आयकुर, तुम लोग उनकी रफ्तार कम करवाओगे और फिर उन्हें पकड़ लोगे। ढाले हासिल कर लेंगे, उनका दिफा खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर उन पर सिर्फ तीर अंदाजी करना काफी नहीं है, हम यानी शहर के मर्दों के साथ मुत्तहिद होंगे और उन्हें तबाह कर देंगे। आ जाओ अपनी मौत की तरफ आ जाओ। जनाब, सिपाही तैयार है। भाई सिंगू ने पैगाम भेजा है, कहा है कि घोड़ा गाड़ी उनके पास है। शुक्रिया, शुक्रिया। अब हमारा काम शुरू होता है। सिपाहियों, तीर तैयार कर लो। तुर्क तीरों की बारिश कर दो। अब या हक, या हक, या हक। आ जाओ, मैदान हमारा है। आ जाए खवातीन। अल्लाह अकबर, चलो। अल्लाह अकबर। जनाब, मैं ठीक हूं। तुमने अपना काम किया, चलो। जिसकी नजरें हमारी सरजमीन पर है वो इसी में दफन होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब, वो भाग रहे हैं। जाओ पीछे। चलो चार को चलो। उस्मान साहब, आपने क्यों नहीं बताया कि आप उस्मान सरदार हैं?
उस्मान सरदार हूं तो क्या हुआ, जंग में कोई सरदार है क्या? आप ठीक कह रहे हैं जनाब। ए, शुक्रिया। आपका भी। जीत रहिए। आप भी जनाब। जीत रहिए। अब वक्त है कि हम एक चाल चले। आप ठीक कह रहे हैं। चलो आ जाओ तकफूर, आ जाओ आ जाओ। हमारे नाम से तुम तो पहले ही खौफजदा हो। जनाब कब हमला करेंगे, हम क्या हुक्म है? जनाब तमाम कबाइल के बहादुर सिपाही तकफूर को खत्म करने आए, आज उसका खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो चाहे कितने भी लोग हो, हमें सरदार के हुक्म से चारों तरफ से हमला करना है। इस दिन का तो हमें कब से इंतजार था जनाब। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं जनाब। जनाब अब मैदान हमारा है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल है। बुरान जनाब, और खान और अलाउद्दीन की क्या सूरत हाल है? माफ्यूज चले गए होंगे अब तक? उन दोनों को माफ्यूज में होते हुए मोहतात रहने की जरूरत है। जनाब कबाइल से जंग के लिए आए हुए सिपाही बाफ्यूज के इलाके में उनके दरमियान एक आर्चंग के साथ तैनात है। जनाब उनके सिपाही तादाद में ज्यादा है और हम उन पर ऐसे हमला करो जैसे भेड़िए के सामने रेवड़। इंशाल्लाह। हम कम हैं, हम हार जाएंगे, यही तो हम चाहते हैं। चलो तीरंदाजो। मैं जानता हूं बुजदिल नहीं आएगा। कमांडर मजल, इजाजत हो तो फौज दिफा पर तैनात कर दी जाए। कहा था ना मैंने कि तुम उस्मान को नहीं जानते कमांडर, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फौज जब यहां लड़ने आई है तो वो जरूर लड़ेगी। उस्मान हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आ गया है उस्मान। ढाल की दीवार बनाओ। हमला करो जल्दी। आओ देखिए उस्मान, आओ। Yeah.
अब हम क्या करेंगे कमांडर मजानू? वो हर तरफ से हमला कर रहे हैं लेकिन वो कमजोर है। तुम ये नहीं जानते कि ये फौज नाकाबिले तस्खीर है कमांडर। थोड़ा सब्र रखो। सिर्फ एक चीज जो इन्हें जिंदा रख सकती है वो इनका ईमान है और ये इसे जल्द ही खो देंगे। दीवार हटाओ। हमला करो। Come on.
बोलो अब तुम क्या करोगे उस पार? तुम चरवाहों का मुकद्दर, हम बाज़ंतीनियों से हारना है। थोड़ा सबर करो, हम तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। थोड़ा सा सबर तक हो, थोड़ा सा सबर। सिपाहियों पीछे हटेंगे, पीछे हट जाएं। चलो आ जा। सिपाहियों घोड़े लेकर आओ। या हक, या हक, या हक, तुम अपने अंजाम से नहीं भाग सकते उस्मान। देखो तो भाग तुम नहीं पा रहे। नहीं, मेरी फौज पूरे बाज़ंतीन में सबसे मजबूत है। तुम्हारे बनाए हुए मंसूबों में कोई भी मंसूबा काम नहीं करेगा उस्मान। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, जिन्होंने अपनी आंखें बाज़ंतीनियों पे रखी हैं, हम उन्हें निकाल लेंगे। मेरे फौजियों, आज जीत हमारी ही होगी। तुर्क तीर तुम्हारे सीनों में घुसते रहेंगे, हमारी नजरें हर घड़ी तुम्हारी सरजमीनों पर होंगी और हमेशा फतह तुर्कों की होगी। सिपाहियों हमला करेंगे। Oh!
इतना गुस्से में क्यों है श्रीगुल? मैंने सोचा था सिर्फ नाइमान गद्दार है, लेकिन यहाँ तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। मैंने आपको बताया था ना, मुख्तलिफ है सरहदों का निजाम। चले चले। भेड़ियों के मैदान में आते ही गीदड़ भागना शुरू हो जाते हैं। तुम शेर को पिंजरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो इसे तोड़कर बाहर आ जाएगा। इधर आओ। कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वॉलेंस, तुम समझ जाओगे। बाज़ंतीनी तुम्हें तबाह कर देंगे, जान जाओगे तुम। हम लोग ये नहीं समझते। आ जाओ, आकर समझाओ हमें। हाँ।
जरूर जान जाओगे। बाजदीनी को हम हमेशा शिकस्त देते रहेंगे। तुम ख्वाब देख रहे हो उस्मान। बाजदीन को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब इस जंग के बाद तुम्हारा सर उतरेगा तो पूरी दुनिया यह जान जाएगी कि बाजदीन को शिकस्त हो सकती है। वापस जा रहे हैं। हम अब भी जीत सकते हैं। कौन सी जंग जीती जा सकती है और कौन सी नहीं, मैं जानता हूं ये सब। हम वापस जा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा उस्मान। तुमने एक बार किया है, मैं हजार बार करूंगा, देखना तुम। उस्मान, देखो जहां जा सकते हो चले जाओ, लेकिन हम मुझसे बच नहीं सकते।